सड़क पर भीख मांगने वाले अब हमारे साथ खाना खाएंगे। घर पे खाने को दाना नहीं है और यहाँ चोच मार रहे हैं। अरे डस्टबिन में गिरा खाना लाकर इसके मुंह पे मार दे। अरे क्या हुआ राजा भैया, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? अरे ये कोई खाना है? उनको अलग परोसा है, हमें अलग परोसा है। अरे हम गरीब है इसलिए? अरे हमें और उनमें फर्क क्यों किया जाता है? सबको एक जैसा परोसा ना, ये भेदभाव क्यों है? और ये ना इंसाफ यहाँ बर्दाश्त क्यों करे? क्यों इनकी गुलामी करते रहे? अरे कोई सवाल उठाता है इनसे तो ये हालत कर देते हैं। और हम जिन प्लेटों में खाते हैं उसे नमक से साफ करते हैं। इन कम वक्तों की प्लेटों को आज मैं अपनी पेशाब से साफ करूंगा। क्या बोला? अरे पेशाब से साफ करेगा? अबे गेंडे, अगली बार तूने मेरे पापड़ थोड़े ना तो देख लेना। यार सबको धो डाला तूने तो। मणिपाल रेड्डी, जॉर्ज रेड्डी भाई, ठंडा ठंडा पानी पियो। ला मेरे को दे। इतने सालों से मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे सबक सीख लिए लेकिन कभी किसी को सबक सिखाने का मौका नहीं मिला। आज मिल गया। अरे भैया वो दीवार के पीछे खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे हैं। उधर आने बे, मजाक कर रहा है। अरे मजाक कर रहा है यार, डरो मत। अरे क्या पागल है क्या तू? झगड़े के बाद कौशिक का गैंग उसके साथ पुलिस स्टेशन जॉर्ज के खिलाफ कंप्लेंट करने चला जाता है। और ये है ऑपोजिशन पार्टी का प्रेसिडेंट कौशिक, जो इस बार सत्या के खिलाफ इलेक्शंस में खड़ा होगा। क्या कौशिक, कैसा है? अब क्या बखेड़ा किया? कैंपस में एक प्रॉब्लम है सर। इसमें नया क्या है? फिर सत्या के आदमी से लड़े होंगे। मूर्ति सर, एक चाय बोलो। 8202। हाँ सर। सर के लिए चाय लेकर आ। क्या बात है सर? एक लड़के ने मेरे आदमियों को मारा। फिर से लफड़ा किया? किसने मारा? कोई नया लड़का है, वो क्या नाम? जॉर्ज रेड्डी। जॉर्ज रेड्डी? हाँ सर, कैंटीन में सत्या के आदमियों ने हमारी बेइज्जती की, इसलिए हमने उसको मारा। वो आके हाथ उठाया। घुमा फिरा के क्या बोल रहा है? हाँ साफ साफ बता। इसके धमकाने पर उसने मारा। आपको कुछ लीगल एक्शन लेना होगा। वो धमकी देगा तुम मारोगे, तुम धमकी दोगे वो मारेगा। वैसे तुम स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है। पिछले हफ्ते ही कुछ स्टूडेंट सत्या के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आए थे, कुछ देर बाहर बैठे फिर यहाँ से भाग गए। साला तुम स्टूडेंट्स की लड़ाई में बेवकूफ हम लोग बन जाते हैं। हम ये कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे सर। ठीक है, मैं कंप्लेंट लिख लूंगा
पर इंक्वायरी करने के बाद ही, ठीक है? ठीक है, चलता हूँ सर। हमारा भी ख्याल रखना। जी सर। स्टेडियम के बारे में याद दिला रहा हूँ आपको, उसके बारे में एक बार भाई सोचना। मैं आपसे फिर से पर्सनली बात करता हूँ। कौशिक के आदमियों ने आज कैंटीन में मारपीट की। खाना खराब है कहने पर मार रहे हैं। गलती करने के बाद भी और गलत कर रहे हैं भाई। कौन, कौशिक का गैंग? हाँ, वही लोग हैं। वो लोग नहीं सुधरेंगे भाई, वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। एक दो नहीं भाई, पूरे 4 साल चले गए लेकिन आज तक वो लोग सुधरे नहीं है। अगर उनको सुधारना है ना, कुछ बड़ा करना पड़ेगा भाई, समझ लो आप। कौशिक कहाँ पे? मैं उधर से आ रहा हूँ सत्या। वो और उसके आदमी कार में बैठकर फरार हो गए। अर्जुन, पूरी यूनिवर्सिटी बंद कर दो, जरूरत पड़े तो वीसी का रूम भी बंद कर दो। चलो, चलो, चलो। तूने मारा था? मारा था सर। मूर्ति सर, इन लोगों को एक रात के लिए लॉकअप में डालो। ओके सर। जा, इन लोगों का साइन ले लेना। ठीक है सर। अर्जुन भाई, अर्जुन भाई। क्या रे महिंद्रा, इस वक्त यहां क्यों आए हो लल्लन? छुप छुपा कर आ रहा हूं यहां पर, कॉलेज जाने से फटती है मेरी, कैंटीन या ग्राउंड पर जाने में शर्म आती है। इधर ही जन्मा, इधर ही बड़ा हुआ। किशन सिंह भाई है मेरा, ललन, ललन सिंह नाम है मेरा। क्या करूं अब? मेरे इलाके में मेरी इज्जत निकाल दी उसने, मेरा मजाक उड़ाया उसने। जो कल तक कांपते थे मेरे नाम से, आज मेरे मुंह पर हंसते हैं। सुबह उठता हूं, चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है मुझे। लल्लन लुक्खा है, बस बैठकर ताली बजाता है। वो सोचता है कॉलेज के बाप का है, जो मदद करने हर जगह पहुंच जाता है। मसीहा है क्या? या तो जॉर्ज या मैं, कोई एक ही जिंदा रहेगा। तुम जानते नहीं अर्जुन भाई, रोज मैं मर मर के जीता हूं। अपना मुंह किसी को दिखा नहीं सकता मैं। खाते वक्त निवाला गले से नहीं उतरता है मेरे। छे, इस बार इंजीनियरिंग का इलेक्शन मैं लड़ूंगा। मेरे जज्बात समझो अर्जुन भाई, बस एक चांस हो